क्लास uh, एट्थ आपका लेसन है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स तो उसके क्वेश्चन आंसर आप सब ने लिखने हैं सो so, इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स में इम्पोर्टेंस बतानी है रिप्रोडक्शन की क्या होती है देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस बताना है फर्टिलाइजेशन का किस तरह से होता है थर्ड नंबर पे चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स ठीक है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन तो इसकी ऑप्शंस बतानी है कौन कौन सी हैं ठीक है देन उसके बाद है इन द इसका आंसर सही है इन द फीमेल बॉडी पर आंसर मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपके साथ पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आ टेडपोल डेवेल्प इन टू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ़ एक टेडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस से ठीक है देन उसके बाद है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दाइगॉट जाइगॉट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सो so, उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने ये लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद ओवी पिर एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ठीक है ट्रू हो ट्रू है या फॉल्स है तो इसमें हम जो हैं इसके ए, मैं आपको सल्यूशन बताती हूँ इन क्वेश्चनस के आगे ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन थे आपके ठीक है ये भी सारे क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं ये आप देखिए यहाँ पे यहाँ से नोट करने हैं आप सबने ठीक so, है सो इसमें फर्स्ट आंसर है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन ठीक है सो uh, so hmm. इस तरह से देखिए द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन होती है न्यू इंडिविजुअल की पेरेंट से उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इन्श्योर्स द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स कह रहा है कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें जो है सिमिलर काइंड्स के इंडिविजुअल की कॉन्टीन्यूएशन uh, रहती है जेनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ़ दिस प्रोसेस डू नॉट एग्जिस्ट अगर ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जनरेशन जो है लिविंग बींग्स की वो वैनिश्ड हो जाएगी अर्थ से अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धरती के ऊपर जो हैं हम लोगों का होना हम लोग जो हैं हम इंडिविजुअल्स जो हैं तो हमारी जो है हमारी प्रोजनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हम लोग भी खत्म हो जाएंगे ठीक है अगर जो है रिप्रोडक्शन रुक जाता है देन उसके बाद सेकंड सेकंड uh, है यहाँ पे सेकंड आंसर दिया हुआ है इन द ह्यूमन बीइंग्स सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन विच रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जो कि मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न से होती है मेल मेल प्रोड्यूस स्पॉम्स इन टेस्टीज जो मेल हैं वो स्पॉम्स को प्रोड्यूस करते हैं टेस्टीज़ में और फीमेल जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करती है ओवरी में मेल जो है वो रिलीज करता है स्पॉम्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ड्यूरिंग पॉपुलेशन कॉल्ड वेजिना ठीक है यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको इस लाइन को मेल रिलीज देयर देअर्सम्स यहाँ से जो है वो कट कर सकते हैं आप ठीक हाँ? है यहाँ तक फिलोपियन ट्यूब तक ठीक है आ, देन उसके बाद आपने लिखना है फीमेल रिलीज वन ओवम एवरी मंथ इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल जो है वो एक ओवम को एवरी मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में जो है रिलीज़ करती हैं जो कि अवम जो है वो ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाता है फिलोपियन ट्यूब्स में देन फ्यूज़न होती है मेल और फ़ीमेल गैमेट्स की फिलोपियन ट्यूब्स में फ्यूज़न जो है मेल और फीमेल गैमेट की इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं देन उसके बाद जो है वो ऑप्शंस पूछी गई थी आपसे ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में राइट right आंसर आपने बुक लेनी है बुक के ऊपर नोट करने हैं ये ठीक है तो इसमें इन द फीमेल बॉडी जो है इन द फीमेल बॉडी आएगा राइट uh, आंसर right जो है वो फीमेल बॉडी का लिखेंगे आप ठीक है तो आपने आपसे एम uh, सी क्यू जो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आपने बुक खोलनी है सभी बच्चों ने उनमें से फर्स्ट लिखना है इन द फीमेल बॉडी ठीक है फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होती है फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं फिर एडल्ट्स जो है फ्रॉग वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर लिखना है मेटामॉर्फोसिस उसके बाद पूछा गया था कि जाइवॉट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं तो वन आंसर लिखना है देन उसके बाद आपने बुक के ऊपर नोट करने हैं फॉल्स नोट करने हैं ठीक है तो आप इसमें जो है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें फॉल्स लिखिए देन उसके बाद सेकंड है उसमें ट्रू लिखिए देन थर्ड में फिर से ट्रू फोर्थ में ट्रू फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ट्रू फिर एफ़ uh, है आपका फॉल्स लिखना है जी है ट्रू लिखना है एच है ट्रू लिखना है देन उसके बाद फिर ट्रू फिर फॉल्स तो इसमें जो है वो आपने ये क्वेश्चन uh, जो हैं ये कर लेने हैं ठीक है तो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन लिखना है व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जब फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस जो है जो न्यूक्लियाई होता है स्पॉम का और न्यूक्लियाई होता है एग का वो आपस में फ्यूज़ करके सिंगल न्यूक्लियस को बनाते हैं विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जिससे जो है फर्टिलाइज्ड एग बनता है zygote नाउ बिगन टू develop इन टू एन zygote जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यूसली यूट्रस में डेवलप करता है और प्रोड्यूस करता है बॉडी पार्ट्स को हैंड्स लेग्स हेड आइज को द स्टेज ऑफ एम्ब्रे इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फिटस कह रहे हैं कि एम्ब्रियो की ये स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्टस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको फिटस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस रिप्रोडक्शन uh, के बारे में पूछा है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाई है किसमें हाइड्रा में और अमीबा में फिर उसके बाद बताना है कि जो बडिंग प्रोसेस हैं ठीक है जो बडिंग प्रोसेस है बडिंग प्रोसेस में क्या होता है न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है एज अ आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इन हाइड्रा अ स्मॉल बर्जेस कॉल्ड बर्ड्स डिवेल्प इंटू द न्यू इंडिविजुअल्स डिवेल्प इंटू द न्यू इंडिविजुअल्स देन उसके बाद नेक्स्ट है बाइंड्री फिजन द बॉडी ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा डिवाइड्स इंटू टू इक्वल पार्ट ईच पार्ट डिवेल्प एज एन यू इंडिविजुअल देन उसके बाद नेक्स्ट है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है बर्डिंग का हाइड्रा में ठीक है उसमें सिंगल पेरेंट होता है उसकी आउट ग्रोथ होती है आउट ग्रोथ से नया इंडिविजुअल बन जाता है देन बाइंडरी फिजन समझाया है अमीबा होता है जब उसमें पार्टीशन होती है टू इक्वल पार्ट्स में वो कट हो जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है देन उसके बाद सेवंथ आंसर लिखना है आपने सेवंथ क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे एम्बेडेड होता है एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन गे वा द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस तो की वॉल में इम्बेड हो जाता है डेवलपमेंट करने के लिए उसके बाद मेटामॉर्फोसिस हैं डरेस्टिक चेंज विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिवेलपमेंट ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं कि डरेस्टिक चेंज होता है जब एनिमल की डिवेलपमेंट होती है जिसको हम मेटामॉरफोसिस कहते हैं द एनिमल्स

फ्रॉग के केस में अगर आप फ्रॉग के केस में देखना चाहो तो फ्रॉग के केस में सबसे पहले जो है एग बनते हैं एग से टेडपोल बनता है देन एडल्ट्स बनते हैं तो इस तरह से ये जो है लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट होता है देन उसके बाद जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आंसर आपको जो है देना है इसमें डिफरेंस क्या है सो so, इसमें देखिए सबसे पहले जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी और एक्सटर्नल जो है मैंने आपको बताई है कि इसमें जो है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है ये फ्रॉग में और फिश में देन उसके बाद इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में हैन और डॉग में ठीक है देन उसके बाद जो है यहाँ पे uh, क्रॉस बनाए गए हैं जैसे कि पहली लाइन जो है इस तरफ को ये आपने भरनी है फर्टिलाइजेशन लिखना है ठीक है नेक्स्ट यहाँ तक टेस्टीज लिखने हैं ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जयगॉट लिखा हुआ है जेड लिखा है यहाँ पे यहाँ पे जाइगॉट बन गया ये ठीक है देन उसके बाद जो है यहाँ को इस तरफ को इंटरनल लिखना है ठीक है इंटरनल लिखना है देन उसके बाद जो है आपको इसमें बाइनरी यहाँ पे जो है वो नीचे को बाइनरी लिखा है बाइनरी लिखना है देन उसके बाद इस तरफ को जो है यहाँ पे इस तरफ को जो है वो बर्ड्स लिखने हैं ठीक है देन जो है इसमें आपका लगभग जो है वो ये कंप्लीट हुआ ठीक तो ये आंसर्स आपने करने हैं ठीक है तो इसी के साथ ही लेसन जो है आपका कंप्लीट होता है सभी बच्चों ने अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से लिख लेना है ये